ऑनलाइन स्टेट एग्जाम दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है ज्ञान बिंदु जी एस अकेडमी का बिहार एस का एक वर्दी लेकर रहेंगे इस टेस्ट सीरीज का हम लोग छठा टेस्ट देखेंगे इससे पहले का दोस्तों आप टेस्ट वन से लेकर फाइव तक नहीं देखे दोस्तों दोस्त, उस टेस्ट को जो है आप हमारे प्लेट में जाकर जरूर देख लेंगे ये दोस्तों एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न दिए गए हैं या अगर दोस्तों आप बी पी सी बी पी एस सी की भी तैयारी करते हैं तो इसमें उसके लेवल के भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न दिया गया है इन कथनों पर विचार कीजिए तो कथन एक कहता है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अधाग्नि कहा जाता है तो यह बिल्कुल सही कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में जो स्त्री को पुरुष की अर्धाग्नि कहा गया है कथन दो कहता है कि जावलो में चार आश्रम का उल्लेख मिलता है तो ये भी आपका सही है कथन तीन कहता है कि मनु स्मृति काल का मानक ग्रंथ यह गलत है तो ऑप्शन यानी कथन एक और कथन दो सही है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर तो केवल एक और दो सही है नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया है तो किससे ग्रहण किया है तो यह आपका राइट आंसर होगा यह जो दर्शन से जो है ग्रहण किया है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार को जो है जैन दर्शन से ग्रहण किया है ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख कहाँ मिलता है तो तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख जो है यह अर्थशास्त्र में मिलता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है चांदी के सिक्के चलाए थे यह जो शकु पर विजय के उपलक्ष्य में जो चांदी के सिक्के चलाए थे ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा जब शको को हराए थे तो इसने जो चांदी के सिक्के चलाए थे

और चालू किसने किया था तो इलतुतमिश ने किया था तुर्की चहका जो है चालीस तुर्क सरदारों का एक समूह था ये याद रखिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि खानक क्या है तो खानका जो है सूफी सत्रों को सूफी संतों के निवास स्थान जहाँ होते हैं वो रहते हैं जहाँ उससे हम लोग खानका के रूप में जानते हैं ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसे जाना जाता है तो शाह बुलंद इकबाल के रूप में जो है हम लोग दारा सिकोह को जानते हैं यह जो है औरंगजेब का भाई था ऑप्शन नंबर सीस का राइट आंसर हो जाएगा यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के संबंध में यह उक्ति किस विद्वान ने दिया था तो बर्बरता और सभ्यता का जो सिद्धांत अठारह सौ की क्रांति में जो है टी आर होम्स ने दिए थे ऑप्शन नंबर बीस सर राइट आंसर हो जाएगा टी आर होम्स ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार लॉर्ड कर्नवाली से संबंधित है तो निम्नलिखित में से कौन सा कार लॉर्ड कर्नवाली से संबंधित है तो चलिए इसका देखते हैं सहायक संधि लॉर्ड कर्नवाली से जो है यह संबंधित किससे है तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंपनी के कर्मचारी के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध यह जो है इसे लॉर्ड करने से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है तो सही सुमिलित नहीं है तो आपका इसका राइट आंसर किया हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत भारती जिसके लेखक भारतेंदु हरिचंद्र हैं यह गलत है भारत भारती जो है इसके लेखक कौन हैं तो मैथिली शरण गुप्त हैं मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस और जो है संवाद कौमिदी राजा राम मोहन राय जबकि जो है भारत भारती भारत भारती जो है यह किसके इसके लेखक कौन है तो शरण मुक्ता हो जाएगा शरण मुक्ता यह या याद रखिएगा किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने की गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था तो इनकार किया था आपको सबने अवज्ञा आंदोलन जब उन्नीस सौ तीस में हुआ था तब जो है आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं, नहीं है तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सही सुमिलित नहीं है तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है तो आत्मा रंग कांड नहीं बल्कि ये गलत है आत्मीय सभा के संस्थापक है राजा राम मोहन राय याद रखेगा राजा राम मोहन राय ये संस्थापक है आत्मीय सभा के ब्रह्म समाज का संस्थापना किसने किया था तो राजा राम मोहन राय ने किया था वेद समाज का संस्थापक केशव चंद्र सेन ने और इंडियन लीग की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष ने किया था तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है तो आदि ग्रंथ में जो है रामानंद के जो है रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है जबकि कबीर नामदेव और बाबा फरीद की जो रचनाओं को आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं यह कथन किसने किया था कथन कहने वाले व्यक्ति हैं बंकिम चंद चटर्जी बंकिम चंद चटर्जी के द्वारा जो है कांग्रेस लोग पदों के भूखे राजनीतिक होते हैं ऑप्शन नंबर जो है बीच का राइट आंसर हो जाएगा यह उक्ति जो है बंकिम चंद चटर्जी द्वारा कहा गया था तप्त तो पानी भूतापी ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है तो तप्त तो पानी जो भूतापी ऊर्जा जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा यांग यापा दारा कहाँ अवस्थित है तो यांग्पा या दरा जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार यानी कि इनमें से कोई नहीं यांग याप्पा दरा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं नागौरी एक नस्ल है तो नागौरी जो है यह एक प्रकार की गाय की नस्ल है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौरी एक गाय की नस्ल है नागरहोल राष्ट्रीय बाग कहाँ अवस्थित है तो यह जो है नागरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित है आपका कर्नाटक में ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है तो नागपुर शक्ति गृह परियोजना जो है यह आपका कुराडी नदी पर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुराडी नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अपवाद तंत्र का हिस्सा नहीं है तो गंगा अपवाद तंत्र का हिस्सा नहीं है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कृष्णा नदी जबकि रामगंगा यमुना और चंबल जो है यह गंगा तंत्र का हिस्सा है जबकि कृष्णा नदी जो है ये दक्षिण भारत की नदी है नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है तो ऑस्ट्रेलिया में जो चलने वाली पवन है उसे हम लोग जो है विली विली के नाम से जानते हैं ऑप्शन नंबर जो है चार इसका राइट आंसर होगा विली विली नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोंडा जनजाति कौन सा पशु को पालते हैं तो नीलगिरी पहाड़ी स्थित में जनजाति जो है ये कौन से पशु को पालते हैं तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार यह जो है टमुना जनजाति भैंस को पालते हैं ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा पोनंग नृत्य का संबंध नीचे निच, के किस राश से है तो पोनंग नृत्य जो है यह आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा लाली वनजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है तो लाली वनजी अभ्यारण जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश लाली वंजी अभ्यारण जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है काला हांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है तो काला हांडी जो है औद्योगिक क्षेत्र है यह आपका है हो जाएगा यानी कि उड़ीसा में ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा में अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है तो काठमांडू घाटी जो नेपाल में है यह किन किन श्रेणियों के बीच स्थित है तो यह आपका हो जाएगा लघु हिमालय एवं शिवालिंग के बीच लघु हिमालय और शिवालिंग के बीच जो है काठमांडू घाटी स्थित है नेक्स्ट प्रश्न है कि आयर ट्वेंटी किस फसल की किस्म है तो आयर ट्वेंटी जो है यह आपका जो है चावल की किस्म है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी तो भूरी क्रांति जो है यह आपका उर्वरक से संबंधित है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से नेक्स्ट प्रश्न तिलहन उत्पादन से क्या है तो पीली क्रांति अंडमान सागर अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन से जल संधि जोड़ती है तो यह जो है आपको मलक्का जलसंधि जो है यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है तो यह जो टिप्पणी किए थे जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू ने जब 1935 के भारत शासन अधिनियम पर जो टिप्पणी किए थे कि यह जो है गुलामी का अधिकार पत्र है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न ने, है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था तो परिचय पत्र किसने कहा था तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन ए पालकी वाला ने जो है संविधान के प्रस्तावना को परिचय पत्र की संज्ञा दिया था ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत है एक तो भारत एक क्या है तो आपका इसका राइट आंसर होगा विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है भारत जो है विनाशी राज्यों का यानी कि अविनाशी संगठन है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न नेक देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया हमारा थर्टी फोर है कि राज्यसभा कि सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किया गया है तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान जो है यह भारतीय संविधान में आपको लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो आपका गृह मंत्री होता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्री नेक्स्ट प्रश्न नंबर दिया गया कि निवारक निरोध कानून की चर्चा कहाँ मिलती है तो निवारक निरोध कानून की चर्चा जो है यह हमको मिलता है मूल अधिकार में ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है तो यह संसद का अभिन्न अंग है यह बिल्कुल सही है वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेते हैं यह गलत है वे दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति में संयुक्त संजुक, संयुक्त होते हैं अध्यादेश जारी भी कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर होगा यह नहीं होगा यह गलत है शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समर्थित सूची में स्थानांतरित किया गया था तो शिक्षा को जो है संविधान संशोधन जो बयालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस छिहत्तर में जो हुआ था उसमें जो समर्थित सूची में शिक्षा को रखा गया था ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन के संदर्भ में वी वी पैट का पूर्ण रूप क्या होता है तो वी वी पैट एक प्रकार का जो है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेलर है ट्रेल है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वी वी टीका पूर्ण रूप होता है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था तो इसका जो गठन किया गया था ऑप्शन नंबर सी उन्नीस सौ तिरानवे में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था नेक प्रश्न दिया गया कि राजवीत आयोग का गठन किस संक्षेप के तहत किया जाता है तो यह जो है आपका अनुच्छेद 243 के एक 243 के जो है एक के तहत यह राजवीत आयोग का गठन किया जाता है ऑप्शन नंबर जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है तो केंद्र और राज्य संबंध का संबंध जो है यह आपका कौन सी अनुसूची में है तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आठवीं अनुसूची में इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा सातवीं अनुसूची में है देखते हैं दोस्तों कि मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध सेतु का कार्य तो कौन करता है तो राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के सेतु का कार्य करता है तो यह आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मिलान असत्य गलत है तो आपका इसका राइट आंसर क्या सूची के अंतर्गत आता है यह याद रखिएगा जबकि सीमा शुल्क संघ सूची परिवार नियोजन समर्थित सूची सिंचाई जो है राज सूची इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दिया गया जाता है तो लाघू लोक इनमें से जो है संसदीय समिति को लाघु लोकसभा की संज्ञा दिया जाता है तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति को लोक लेखा समिति को जो है लाघू लोकसभा सभा की संज्ञा दिया जाता है ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है तो संतोष ट्रॉफी जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी नेक्स्ट प्रश्न नंबर दिया गया है रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है तो रिंग यहाँ पे प्रश्न था हमारा फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुक्केबाजी से जो है रिंग ब्रेक शब्दावली संबंधित है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जन्मदाता से यह साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा साइमन कुजनेट्स को अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है तो इसका आपका राइट आंसर होगा ट्रेजरी बिल कहते हैं ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर होगा ट्रेजरी बिल जो है अल्पकालिक अल्पकालिक का सरकारी प्रतिभूति पत्र को कहते हैं निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है तो यह हो जाएगा खुले बाजार की प्रक्रिया जो है यह मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा फर्मी इकाई है तो फर्मी जो है यह किसका इकाई है तो यह जो है दूरी का इकाई है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दूरी का जो है फर्मी इकाई है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि कंबल को हाथ से पकड़ कर डंडे से पिटने पर धूल के कान झड़कर नीचे गिरते हैं यह किसका उदाहरण है तो यह जो है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार होता है ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन गति के दूसरे नियम के अनुसार जब कंबल पर हम डंडे मारते हैं तो उसके धूल जो है झड़ कर नीचे गिरते हैं ऑप्शन नंबर जो है बीस का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक कहाँ होता है तो किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक जो है नीचे की ओर कार्य करता है ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर देगा नीचे की ओर जब कोई वस्तु किसी द्रव से में पूर्णता या अंशतः दुबाई जाती है तो उसके भार में कमी या आभास होता है भार में यह आभासी कमी या वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है यह उपयुक्त में से कौन सा नियम होगा तो इस नियम को हम लोग जो है आर्किमेडिक्स का नियम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत गामा किरण का नामांकन किसने किया था तो गामा किरण का नामांकन रदर के द्वारा किया गया था ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है किसमें तो ध्वनि की तीव्रता को जो है इसको हम लोग किसमें व्यक्त करते हैं तो बेल से यानी कि यानी कि डेसिबल से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा डेसिबल में सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग करते हैं सोडियम परिवर्तक लैंप में जो हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का शुष्क सेल में एनोड यानी कि धनोद को रूप में किसका प्रयोग करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन की छड़ को जो है एनोड के रूप में जो है इसका प्रयोग करते हैं शुष्क सेल में ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा परमाणु बम किस पर आधारित है तो परमाणु बम जो होता है यह आपका हो जाएगा अनियंत्रित नावकीय विखंडन अपक्रिया पर होता है ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा जबकि हाइड्रोजन बम जो है नियंत्रित संलयन पर होता है जबकि परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अपक्रिया पर नेक्स्ट प्रश्न है कि है तो एलुमिनियम जो है यह एक प्रकार का अनुचुंबकीय है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुचुंबकीय इसमें चुम्बक कार्य नहीं करता है अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों के द्रवनांग व हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है तो जब हम किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाते हैं तो उस पर जो है द्रवनांग और खतनांग जो है यह आपका इस पर प्रभाव जो है कम हो जाता है ऑप्शन तो नंबर बीस का राइट आंसर हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है तो इनमें से कौन सा विकल्प असत्य है तो यूरेनियम दो सौ पैंतीस चट्टानों की आय याद करने में करते हैं यह गलत है यूरेनियम दो सॉरी यूरेनियम दो सौ पैंतीस जो है इसी चट्टानों की आयु याद करते बिल्कुल सही दिया गया है सोडियम ट्वेंटी फोर जो है इसे रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए करते हैं कोबाल्ट साठ जो है रक्त कैंसर से नियंत्रण में मदद करता है और आर्सेनिक सेवेंटी फोर जो है यह आपको ट्यूमर को पता लगाने में करता है ये याद रखिएगा ट्यूमर को पता लगाने में करता है जबकि ल्यूकेमिया को पता लगाने में फास्फोरस मदद करता है फास्फोरस बत्तीस जो है ल्यूकेमिया को उपचार में करता है और सैनिक ट्वेंटी सेवेंटी फोर ट्यूमर को पता लगाने में तो ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर होगा यही गलत था पनीर किस प्रकार की कोलाइड है तो पनीर जो है यह, यह जो है आपका जेल है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जेल है प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है तो प्रोड्यूसर गैस जो है यह आपका मिश्रण हो जाता है सी CO यू प्लस एन टू प्लस सी टू ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसर सी ओ प्लस एन टू प्लस टू का मिश्रण होता है कैले माइल किस धातु का एस्क है तो कैले माइल जो है यह आपका जिंक का एस्क है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से हरा कशिश कौन सा है तो हरा कशिश कौन सा है तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार फेरस सल्फेट ए फी एस सेवन एच टी ओ इसे जो हम लोग हरा कशिश के नाम से जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न है ट्राई नाइट्रोफिनॉल टी एन पी क्या है तो ट्राई जो है यह एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री है कीटोन का क्रियाशील समूह क्या होता है तो इसे जो है सी ओ होता है कीटोन का क्रियाशील समूह ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटोन का क्रिया समूह जो होता है सी ओ होता है गन मिंटल का अवयवी धातु क्या होता है तो गन मेंटल का अवयवी धातु क्या होता तो आपका इसका राइट आंसर होगा बी सी जेडन एस एन सी यू जेडन एस एन जो है गन मेंटल के अवयवी धातु है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं तो बाहर से मिलाए गए पदार्थ को धातु मल कहते हैं ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा गैंग में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को धातु माल कहते हैं छिपकिलियों का अध्ययन क्या करवाता है तो छिपकिलियों का अध्ययन को हम लोग ऑफियोलॉजी कहते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा ऑफियोलॉजी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है तो गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है ऑप्शन नंबर जो है चार इसका राइट आंसर होगा बॉस इंडिकस राना ट्रिंगना जो है मेढा का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका जो है या बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उससे मुख्य अभिकर्ता कौन होता है तो उसमें मुख्य अभिकर्ता के रूप में केंद्रक होता है ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर होगा केंद्रक उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसका भाग होता है तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति यह जो है आपका किसका भाग होता है तो लेमार्क के सिद्धांत का ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा लेमार्क के सिद्धांत का, का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं टू फोर डी दोस्तों टू फोर डी क्या है तो एक प्रकार का जो है खर पतवार नाशी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा शार्क किस संघ के जीव है तो शार्क जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्डेटा समूह के जीव है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो कार्डेटा लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है तो इसका जो स्राव होता है आपका अग्नाशय से अग्नाशय के द्वारा जिसे पेंक्रियाज के नाम से जानते हैं एकमात्र मिश्री ग्रंथि अग्नाशय बोलते हैं ये याद रखिएगा लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है अगनाशे से पटेला नामक हड्डी कहाँ होती है तो पटेला जो है हमारे शरीर के जो है घुटनों में होता है जो गोल चक्री जैसा होता है वो हमारे पटेला नजर आता है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था तो इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है उन्नीस में किया गया था ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा टिटनेस रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है तो टिटनेस रोग से जो प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र हो जाता है ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा समर्पण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो समर्पण दिवस जो है ग्यारह फरवरी को मनाया जाता right मोधी मोधी है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंबेडकर एंड मोदी नामक मोदी के पुस्तक कौन है अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इलैया राजा इलैया राजा जो है अम्बेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक है ग्लोबल जेंडर गैंग गैप सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है यह जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है यह कौन सी संस्था जारी करता है तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि तेरहवा नसीम अलबहर दो हज़ार का जो है युद्धाभ्यास भारत और किन देशों के मध हुआ है तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ओमान के साथ और भारत के साथ जो है तेरहवाँ नसीम अलबहार दो हज़ार में यह युद्धाभ्यास किया गया है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा ओमान कॉप सेवन ट्वेंटी सेवन संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा तो इसकी मेजबानी जो है आपको मिस्र के द्वारा किया जाएगा कॉप ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन जो है संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का मेज़बानी जो है मिस्र के द्वारा किया जाएगा ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी एयनॉक्स को नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था किस क्षेत्र में यह इसको जो है प्रदान किया गया था साहित्य के क्षेत्र में एरिन एनॉक्स को जो है नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया साहित्य के क्षेत्र में हाल ही में संपन्न विजय हजार विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना है तो यह जो है सौराष्ट्र जो है बना है ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र ने जो है हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता बने हैं ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न नंबर दिया गया कि वर्तमान समय में रामसर सैटों की संख्या कितनी है सॉरी वर, वर्तमान समय में रामसर साइटों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है तो वर्तमान समय में जो सबसे ज्यादा रामसर साइड तमिलनाडु में स्थित है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु भारत के सुपीरियर सु, भारत के सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किस संस्थान में किया गया था तो इसका अनावरण जो है आईआईटी गुवाहाटी में किया गया था भारत के सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का जो है अनावरण आई गुवाहाटी में किया गया था ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ब्लू ड्यूब को हाल ही में किस राज्य में राज्य की तितली घोषित किया गया है तो यह आपका हो जाएगा ब्लू ड्यू को हाल ही में किस राज्य में राज तितली घोषित किया गया तो यह हो जाएगा सिक्किम को सिक्किम ने जो है ब्लू ड्यूब को हाल ही में जो राज तितली घोषित किया ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा बाईसवाँ राष्ट्रमंडल खेल दो में भारत को कितने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो भारत को जो है इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है बाईसवाँ राष्ट्रमंडल खेल दो में जो भारत को जो है तालिका में चौथा स्थान प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष सेकल के उप विजेता कौन रहे हैं तो उपविजेता कौन रहे हैं तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव डेनियल मेदवेदेव जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन दो के पुरुष सेकल विजेता के उप विजेता रहे हैं ऑप्शन नंबर चालीस इसका राइट आंसर हो जाएगा नेवा कार्यक्रम को शुरू नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है तो यह आपका हो जाएगा नागालैंड राज ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संसद ki ने किस देश को आतंकवाद प्रयोजक देश की घोषित किया है तो यूरोपीय संसद ने जो है यह आतंकवाद प्रयोजक किस देश को घोषित किया है तो यह हो जाएगा रूस को रूस को जो है यूरोपीय संसद ने जो है आतंकवाद प्रयोजक देश घोषित किया है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो विश्व शौचालय दिवस जो है यह जो है उन्नीस नवंबर को मनाया जाता है ऑप्शन नंबर जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नीस नवंबर यहाँ से जो है इसका यानी कि मैथ का प्रश्न दिया गया नाइन्टी सिक्स का आपका हो जाएगा पाँच परसेंट बी हो जाएगा और नाइन्टी सेवन का आपका हो जाएगा नाइन्टी सेवन कहा रहा कि यशवंत एन मिनट में एम शब्द को पवन क्यू मिनट में क्यू शब्द को टाइप करता है तो यशवंत की टाइपिंग और पवन की टाइपिंग दर क्या अनुपात होगा इसका दर अनुपात हो जाएगा एम क्यू बटा पी एन आगे दिया गया है प्रश्न है कि भावन के संसा ये साधारण ब्याज दिया गया तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आठ हज़ार नेक्स्ट दिया गया नाइन्टी नाइन का हो जाएगा नाइन नाइन्टी एट का हो जाएगा आठ हज़ार और नाइन्टी नाइन का हो जाएगा आपका यानी कि फोर हो जाएगा दो सौ बाईस हो जाएगा और हंड्रेड का देख लेते हैं यह जो है रीजनिंग दिया गया इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ट्वेंटी फाइव इस यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है इसमें जितने जो हम जितके जिस प्रश्न से सभी को मैंने डिस्कस करा दिया दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना स्कोर जरूर कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएँ कि आपका स्कोर कितना रहा धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत